हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा, आज आपका एक नया टॉपिक मेंसुरेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने आपको अर्थमेटिक पूरा कवर करा दिया है। आपका अर्थमेटिक में एक टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया है, जो मैं आपका एक मैराथन क्लास लेकर उसको भी कवर करा दूंगा। तो आज जो आपका होगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में कौन कौन सा टॉपिक आता है। मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है, ये आपका एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D में हम लोग कौन कौन सी आकृतियों को पढ़ते हैं, जरा उनको अच्छे से समझिए। देखिए, 2D आकृति का मतलब होता है समतल आकृति, जिसका हम एरिया निकालते हो और जिसका हम आयतन निकालते हैं उससे कहते हैं 3D आकृति। आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो 2D को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या आता है, आपका त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, बहुभुज है और वृत्त है। चतुर्भुज की अगर हम बात कर लें तो समानांतर हो जाएगा और एक आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। समानांतर में क्या क्या आता है, आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज। ये जो आकृतियां हैं इनकी पढ़ाई हम लोग 2D आकृति के अंतर्गत करने वाले हैं। दूसरी बात, मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, पहले क्लास में आपका प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो पहला क्लास होगा वो थ्योरी पोर्शन होगा, दूसरा क्लास होगा उससे संबंधित क्वेश्चन का होगा। मान लीजिए आज मैं आपका सर्कल शुरू करता हूँ तो पहला क्लास थ्योरी का रहेगा, दूसरा क्लास इससे संबंधित क्वेश्चन का रहेगा। तो आप पूरे मेंसुरेशन को अच्छे से देखना है, समझना है, साथ में नोट्स भी तैयार करना है। उसके बाद में आप जो भी एग्जाम देते हैं आप खुद से देखना कि आपका स्कोर उसमें कितना इंक्रीज होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा अपना वो सर्कल होगा, यानी वृत्त होगा। शुरुआत हम लोग करने वाले हैं वृत्त के साथ। चलिए देखिए कि भाई आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सर्कल से, वृत्त से। तो वृत्त में सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनको जान लेना बहुत जरूरी है, थ्योरी को समझना है। देखिए सर्कल क्या है, बहुत आराम से आपको बात समझना है। आपके पास ये मैंने तैयार कर दिया, एक सर्कल है। सर्कल के अंदर मध्य में एक बिंदु इस प्रकार से होता है, इसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु। बहुत एक एक बात को अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझना। ये सर्कल का केंद्र होता है। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जो रेखा, समझना है, जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करती है, ये क्या है आपके पास, सर्कल की परिधि है। जो रेखा केंद्र बिंदु से परिधि को टच करती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या कहते हैं। ये आपके पास त्रिज्या है, यानी ये आपके पास R है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं इस बिंदु को B मान लूँ और ये अपने पास O है, तो O भी आपके पास क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अगर मैं इसी त्रिज्या को थोड़ा इस साइड में और आगे बढ़ा दूं, तो आप ध्यान से एक चीज ये देखिए, ये भी केंद्र बिंदु से परिधि को छू रही है, तो ये भी आपके पास क्या होगी, त्रिज्या होगी, R होगी। और मान लीजिए स्थान अपने पास B है, ठीक है। अब यहां देखने पर हमको पता पड़ेगा ये पूरा AV जो आपके पास है, AV ये आपका बन गया व्यास। क्या बन गया, व्यास। और देख के आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, एक आर ये है और एक आर आपके पास ये है, यानी ये आपके पास हो गया 2R। बोलो बात क्लियर है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। मैंने इसी त्रिज्या को और आगे बढ़ा दिया तो केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के दोनों तरफ परिधि को टच करती है वो व्यास कहलाती है। और व्यास कितना हो गया अपने पास, 2R हो गया। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, आगे समझो। मान लीजिए मैं एक सर्कल और इधर बना देता हूं। सर्कल बनाने के बाद हमने एक अलग से यहां पर एक इस प्रकार से एक रेखा ले ली, ये आपका AB है। ये आपका क्या है, AB है। ये इसका आपके पास केंद्र है। ये रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है तो ये आपके पास जो होगी इसका नाम होगा जीवा, जीवा रेखा। क्या होगा भाई, जीवा रेखा। केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है और जो रेखा केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है वो आपके पास क्या कहलाती है, जीवा रेखा कहलाती है।
तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई है। अब हम यही इसीलिए डायरेक्ट कह देते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है भाई, होगी कैसे होगी, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो पूरा ये व्यास है ना, तो इसका आधा कर दोगे तो आरी तो निकल के आएगी। यहां तक एक एक पॉइंट आप क्लियर करते चलना है। आज का जो आपका क्लास रहेगा वो एक थ्योरी पोर्शन रहेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, जल्दबाजी नहीं, आराम समझना है। ये अपने पास सर्कल हो गया, सर्कल का ये केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। इसके अंदर अंदरी जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। अंदर का जो आपके पास पोर्शन है जो चारों साइड किससे ढका हुआ है, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, वो आपको याद रखना है, वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर होता है त्रिज्या का स्क्वायर और पाई होता है 22/7। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसका जो चारों साइड का जो लेंथ है, ये वाला, ये पूरा जो लेंथ है, ये परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? परिधि कहलाएगा, ये परिधि कहलाएगा। और सर्कल की जो परिधि होती है वो आपकी 2πr होती है। इतनी तो बात आपको याद रहेगी, ठीक है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में सर्कल की परिधि क्या होती है? तो परिधि होती है 2πr। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल क्लियर हो गया एक एक पॉइंट। व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होगी, जो बाहरी साइड का जो पोर्शन है पूरा, जो लंबाई है वो परिधि है, परिधि कितनी है, 2πr। क्षेत्रफल क्या होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ जो भाग होता है, जो एरिया बीच में बचा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे समझिए एक बात और। एक एक शब्दावली को आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी के आपको शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए अपने पास ये सर्कल है एक, बहुत आराम समझना है। सर्कल में एक केंद्र बिंदु होता है, ये अपना केंद्र बिंदु हो गया, आराम समझो। केंद्र बिंदु के बाद ये हमने ए मान लिया, यहां पर ये पोर्शन हमने बी मान लिया। अब आपके पास जो आकृति बन के तैयार हुई है, यानी ये जो आपके पास है, यहां से बहुत आराम समझना, ये देखिए, ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड। ये जो पोर्शन है इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि इसे क्या कहोगे, त्रिज्या खंड कहोगे। अब देखिए पूरा वृत्त जो है, पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है, तो ये भी पोर्शन कुछ एंगल पे बना होगा, तो इसीलिए इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसे हमने नाम दिया है त्रिज्याखंड। ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। उसके बाद में ये जो है अपने पास, ये जो लेंथ है इसको L से डिनोट किया जाता है, ये L, इसे हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या होगा एग्जाम में, क्या आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आराम से समझना है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है या नहीं, ध्यान सुनना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से यदि आप गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलो बात क्लियर होगी? वृत्त के यानी सर्कल के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 से गुणा कर देने पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन जाता है। आप कहोगे सर थीटा अपॉन 360 से गुणा क्यों किया? देखिए पूरा जो सर्कल है वो 360 का है, उसमें से सिर्फ हम इतने पोर्शन का ही तो एरिया निकाल रहे हैं,
तो ये थीटा है, पूरा सर्कल 360 का होता है। अब 360 पे ये थीटा भाग है, ठीक है, तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखोगे कैसे, यदि वृत्त का, यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकालोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 से गुणा कर दोगे तो आपके पास जो आएगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम में क्या होगा, एल, ये आपके पास त्रिज्या है, आर है, ठीक है। अब एल पूछेगा लेंथ यानी चाप की लंबाई कितनी होगी, एल बराबर, देखो कुछ जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr, बहुत आराम समझाऊंगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। यदि वृत्त की परिधि में, यदि वृत्त की परिधि में थीटा अपॉन 360 अंश से गुणा कर दोगे तो अपने पास जो आएगा वो चाप की लंबाई निकल के आएगी। बोलो बात क्लियर है, वृत्त के क्षेत्रफल में तीन थीटा अपॉन 360 से गुणा करोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यदि वृत्त की परिधि में थीटा अपॉन 360 से गुणा करोगे तो चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। अच्छे से थ्योरी समझ लेना, एक एक क्वेश्चन को आगे मैं अगले क्लास में लूंगा, ये थ्योरी बेस आपका क्लास होगा आज का। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी, तो त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, चाप की लंबाई कितनी होती है, वृत्त की परिधि में थीटा अपॉन 360 से गुणा कर दो तो अपने पास जो आएगा वो चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। बात क्लियर हो गया, तो त्रिज्या खंड क्या होता है, ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, देखिए मैंने एक सर्कल लिया है इस प्रकार से, आपके पास एक सर्कल है, आराम से बात समझना है, ठीक है भाई। हमने इस प्रकार से एक जीवा रेखा खींच दी है, ये ए है और ये बी, ये अपने पास इसका केंद्र बिंदु है, ये इस प्रकार से हम बना देते हैं, और ये अपने पास ओ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपके पास जो ये पोर्शन है, ये वाला कौन सा, ये पोर्शन है, ये पीछे आपने देखा था ये पोर्शन उसमें नहीं था, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसको दोस्त हम कहते हैं वृत्ताखंड, क्या कहते हैं, वृत्ताखंड, इसे क्या कहते हैं, वृत्ताखंड। अब एग्जाम में त्रिज्या खंड का तो एरिया निकालना सीख गए, अब पूछा जाएगा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान से समझो, अब वृत्ताखंड का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्त, कुछ नहीं करना है, जो सीखा है वही करना है, रटना तो है ही नहीं, ठीक है, रटने वाला मेंसुरेशन में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना है। देखो आप क्या करोगे, ये पूरा एक त्रिज्या खंड, अभी आप ए भी को भूल जाओ, अगर मैं ये पूरे त्रिज्या खंड में से, पूरे त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज है ओ ए बी का अगर एरिया घटा दूं तो वृत्ताखंड का एरिया आएगा भाई, ठीक है। ये तो अपने पास R है, R क्यों है, केंद्र बिंदु से परिधि को छुएगा तो R कहलाएगा। अगर मैं पूरे त्रिज्या खंड में से, अरे AB को भूल जाओ, तो ये आपके पास क्या होगा, त्रिज्या खंड। अगर मैं पूरे त्रिज्या खंड में से ये एरिया घटा दूं इस त्रिभुज का, तो आपके पास जो बचेगा वो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बचेगा, अरे बचेगा या ना, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। अब घटा दीजिए तो देखो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें थीटा अपॉन 360 से गुणा कर दो तो ये त्रिज्या खंड का बन गया क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देना है, तो त्रिभुज का एरिया यहां पर आप याद रख लेना, आगे त्रिभुज आएगा तो मैं और समझाऊंगा, अभी इतना काम चलाओ याद रख लेना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आपका वृत्ताखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का एरिया घटा दीजिए, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आएगा, और त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उसमें से त्रिभुज का एरिया घटा दिया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा।
बोलो यहां तक बात क्लियर है। अभी आप इसको रट लो, है ना, अभी बाद में और अच्छे से ट्रायंगल में आपको समझा दिया जाएगा। अभी पोर्शन आया है तो अभी आप अच्छे से समझ लो। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए। एग्जाम में पॉइंट लिख के देगा आपसे, कहेगा संकेंद्रीय, संकेंद्रीय व्रत लिख के देगा, संकेंद्रीय व्रत। कुछ नहीं करना, आराम से समझो। ये अपने पास एक व्रत है, ठीक है, व्रत के अंदर ये सॉरी व्रत के अंदर आपके पास ये व्रत बना देते हैं कि यहां से, ठीक है, ये व्रत बन गया व्रत के अंदर। अब इन दोनों व्रतों का जो एक केंद्र होगा, इसी को हम कहते हैं संकेंद्रीय, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका एक ही केंद्र हो वो व्रत संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझिए। अब आप यहां पर कुछ देख पा रहे होंगे दोस्त, क्या देख पा रहे हैं, ये आपके पास एक जो सड़क बन गई, इसे हम नाम बहुत प्रकार से पुकारते हैं एग्जाम में। आराम से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। ये जो आप सड़क बन गई, इसके अनेकों नाम होते हैं, इसको हम सड़क भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको चक्राकार भी कहते हैं, चक्राकार भी कहते हैं, या फिर हम इसे बलय भी कहते हैं, बलय। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक, इसे या फिर हम बलय भी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में जो क्या थे, जहां सर्वाधिक तूफान या सक्रिय ज्वालामुखी भी पाई जाती हैं, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की पेटी में पाया जाता है, सेम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके नाम होते हैं सड़क, चक्राकार और बलय। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में यहां से, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक यदि आप नापते हो तो आपका कहना होगा, सर ये तो अपने पास बड़ी आर हो गई, ठीक है, क्यों, केंद्र बिंदु से परिधि को छुआ, केंद्र बिंदु से परिधि को छुएगी रेखा तो क्या कहलाएगी, रेखा त्रिज्या कहलाएगी। तो ये हो गई आपके पास बड़े वृत्त की त्रिज्या, और उसके बाद यदि यहां से लेके यहां तक छुआ तो ये हो गई छोटी त्रिज्या यानी छोटी आर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या क्या पूछेगा, देखो, सड़क का, या हम सीधे सीधे बलय का क्षेत्रफल कह सकते हैं, बलय का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बलय का एरिया क्या होगा। तो हम सब समझ रहे हैं अब तो इसकी चालाकी, बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से, बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे व्रत का क्षेत्रफल घटा दो, बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से इसको बाहर निकाल दो तो आपके पास जो बचेगा वो बलय का क्षेत्रफल बचेगा, यानी हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यदि मैं पाई को कॉमन ले लूं तो डायरेक्ट हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हो गई, बताइए रटने की आवश्यकता है क्या, आप नहीं तो रटना नहीं है आपको, सीधा याद रखना है बलय का क्षेत्रफल बड़े व्रत के एरिया में से छोटे व्रत का एरिया घटा दो, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, बलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लीजिए आपसे यहां पर अब कुछ भी पूछ सकता है, एक आर देगा, जब क्वेश्चन और आएगा तो और आपका क्लियर पॉइंट होते जाएगा, ठीक है। मैं इससे संबंधित जितने भी पॉइंट अपने एग्जाम में बनते हैं सर्कल से संबंधित प्रत्येक प्रकार का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी हमने अब क्या क्या सीखा थोड़े उसके ऊपर हम लोग अब बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, देखिए हमने सबसे पहले एक सर्कल इस प्रकार से बनाया था, थोड़ा अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए। हमने कहा था ये केंद्र बिंदु होता है, जो रेखा केंद्र बिंदु से परिधि को छूती है वो त्रिज्या कहलाती है, आर कहलाती है, और यदि इसी रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए इस साइड में तो ये भी आर ही होगी, और ये ए और बी हो गया, यानी ये पूरा ए भी क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया भाई, व्यास हो गया। हमने कहा जो रेखा केंद्र से होकर नहीं जाती है वो रेखा जीवा कहलाती है, इतना बताया मैंने आपको। उसके बाद हमने बताया किसी भी व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
परिधि होती है 2πr। ये पढ़ा चुके हैं ना, तो आराम से बात समझना है। किसी भी व्रत का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2πr। उसके बाद हमने बता दिया था आपको, यदि इस प्रकार से हम कोई आकृति बना देते हैं इस प्रकार से, तो ये आकृति जितने एंगल पे बनती है, मान लो ये थीटा पे बनती है, ये आकृति नाम दिया गया था इसको त्रिज्याखंड। क्या नाम दिया गया था? त्रिज्याखंड। और उसके बाद हमने बताया अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो सिर्फ व्रत के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 से गुणा कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने कहा यदि एक जीवा रेखा इस प्रकार से है और ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है इसको हमने नाम दिया था क्या, वृत्ताखंड। क्या नाम दिया था दोस्त? वृत्ताखंड। हमने कहा यदि वृत्ताखंड का एरिया निकालना है तो पूरे त्रिज्याखंड के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दो, वृत्ताखंड आ जाएगा। क्या बताया था? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ और आपको समझाया, हमने कहा था संकेंद्री व्रत, यानी दो व्रत ऐसे जिनका एक ही केंद्र हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेंद्रीय व्रत। अगर मान लीजिए अब ये जो रास्ता बना, ये जो रास्ता बना ये क्या है, अपने पास वलय है, यही सड़क है और यही क्या है, चक्राकार है। ये क्या है? चक्राकार है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो अभी समझाया, फटाफट से निकाल दो, बड़े व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे व्रत का एरिया घटा दो। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? एक एक पॉइंट समझ में आ गया, रिवीजन भी करा दिया मैंने आपका साथ के साथ। ये याद रखना है, दो तीन बार देख लोगे ना एकदम दिमाग में सेव हो जाएगा। कल का जब भी क्लास, कल क्लास आएगा आपका तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप जो भी पेपर दें, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, हर एग्जाम में काम आने वाला पॉइंट है। मेंसुरेशन आज हर एग्जाम में आती है, 2D को बहुत अच्छे से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आगे समझो, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, हर एक बच्चे के समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आगे, अब बात कर लेते हैं कुछ और, एक दो और पॉइंट। देखिए एग्जाम में अर्धव्रत से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनता है, अर्धव्रत से भी संबंधित क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। क्या होता है अर्धव्रत? व्रत का आधा क्या कहलाएगा? अर्धव्रत होता है भाई साहब। अब तुम कहो कैसे भैया जी, थोड़ा इसको बैक कर लेते हैं, सीधा बना दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास है अर्धव्रत, हमने इसका केंद्र मान लिया ओ और ये है ए और ये है बी। बहुत आराम से समझना, सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं, आज के बाद एक एक आपको सूत्र याद हो जाएगा। देखो आप बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? आप कहोगे सर आर होगा। ठीक है, बात हमने आपकी मान ली। यहां से लेके यहां तक क्या होगा? आप कहोगे सर आर होगा। हमने ये भी बात आपकी मान ली। ठीक है, ओके। अब देखिए पूरे व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। अरे होती है नहीं, तो मैं आपसे कहूं सिर्फ इतनी जो है ये वाली परिधि कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये होगी πr। ये क्या होगी? पाई आर होगी। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट ध्यान से समझना है, अर्धव्रत का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल होता है व्रत के क्षेत्रफल को आधा कर दो, सीधा सीधा एरिया आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आगे बात समझ। ठीक है, अब बच्चे गलती कहां करते हैं? मैंने कहा अर्धव्रत की परिधि क्या होगी, तो बच्चा सीधा कह देगा भैया व्रत की परिधि का आधा कर दो, पाई आर परिधि हो जाएगी। गलत, गलत हो जाएगा। कैसे? हमने आपको बताया जो परिधि होता है वो चारों तरफ से जिससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसका लेंथ होता है। परिधि क्या होता है? चारों तरफ से जिससे आपका क्षेत्रफल घिरा हुआ है वह परिधि होता है। तो आप इस सर्कल को देखिए और देखने के बाद आप क्या पहचानने वाले हैं, ये जो आपके पास जो एरिया है इस एरिया में, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई फूल हमने उगा दिया, ठीक है, जैसा बन जाए भाई आर्ट को मत समझ लेना। ठीक है, अभी हमने एक बढ़िया सा, अच्छा सा और प्यारा सा यहां से हमने एक फूल बना दिया,
इस फूल को क्या नाम दूं, ये नाम आप हमें बता देना, ये अच्छा सा हमने फूल बना दिया। तो ये फूल जिस परदी से अपने पास दोस्त घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है ना, ठीक है, ओके। तो ये परदी कितनी होगी, तो परदी होता है जिससे घिरा हुआ हो, यानी एक तो ये पाई आर होगी ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली पाई आर, उसके बाद में ये आर और फिर ये आर, यानी ये टू आर होगी। तो अर्धवृत्त की परदी होती है पाई आर प्लस टू आर, याद मत करना, जैसे समझाया है वैसे ही याद रखना है। आप यहां से आर को कॉमन ले सकते हो तो अपने पास पाई प्लस दो बचेगा, बोलो हाँ कि ना, आगे बात समझ में। तो अर्धवृत्त की परदी क्या होती है, पाई आर प्लस टू आर, अर्धवृत्त की परदी क्या होती है, पाई आर प्लस टू आर, ठीक है। एक बार दोबारा से जो पढ़ाया है उसको देख लेते हैं, थोड़ा समझिए। सबसे पहले मैंने बताया केंद्र ये हो गया त्रिज्या, केंद्र बिंदु से जो रेखा परदी को छूती है वो त्रिज्या कहलाती है। अगर त्रिज्या दूसरी तरफ भी ये आपके पास आर है, ये पूरा ए भी व्यास है टू आर है। जीवा रेखा क्या होती है, वह रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर ना गुजरे वो जीवा कहलाती है, बात क्लियर हो गया। उसके बाद में दूसरे पेज पे आइए, हमने बताया वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, परदी होती है टू पाई आर। उसके बाद में त्रिज्या खंड क्या होता है, ये आपके पास है, पूरे वृत्त का जितना आप भाग ले रहे हैं वो त्रिज्या खंड है, ये हम भाग ले रहे हैं मान लीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यदि वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा अपॉन 360 से यदि आप गुणा कर दोगे तो बन जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए एक और होता है, अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में मान लीजिए आपको ये एल दे रखा है और ये आर दे रखा है, तो सीधा सीधा होता है एक बटे दो एल इंटू आर, बोलो बात क्लियर होगी। यदि आपको एल दे रखा है आर दे रखा है तो सीधा सीधा आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एक बटे दो एल इंटू आर, बोलो बात क्लियर समझ में आ गई, एक बटे दो एल इंटू आर, चाप की लंबाई त्रिज्या, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमें ये चाप की लंबाई निकालने हैं तो क्या होता है टू पाई आर, यानी वृत्त की परिधि में थीटा बाई 360 से गुणा कर दो, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में हमने आपको बताया संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, जिनका एक ही केंद्र होता है, संकेंद्री वृत्त हो गए। ये अपने पास वलय था, चक्राकार था, इसी को हम सड़क कहते हैं, और सड़क का एरिया कैसे निकालते हैं ये भी बात क्लियर है। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के एरिया में से छोटे वृत्त का एरिया घटा दो, वलय का आ जाएगा। ये पूरे आपका एक मिसलिनियस हो गया था, जो मैंने आपको पीछे समझाया है वही यहां पर रिपीट किया था। उसके बाद में अर्धवृत्त के बारे में कुछ बात की है, अर्धवृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बटे दो, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। उसके बाद में हमने कहा इसकी परिधि क्या होगी, तो हमने बताया पूरा वृत्त होता है टू पाई आर, इतना होगा पाई आर, ये आर और ये आर। परिधि होती है क्या, जो मध्य का जो भाग होता है, जो एरिया होता है चारों तरफ से जिससे घिरा हुआ होता है उसकी लंबाई। ये कमल का जो भी फूल है आपके पास, ये किससे घिरा हुआ है, तो एक पाई आर से घिरा हुआ है और एक आर, और एक आर ये दो आर से घिरा हुआ है, तो ये अपने पास होगी अर्धवृत्त की परिधि। तो ये दोस्तों आपके पास आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये वृत्त की थ्योरी से संबंधित पोर्शन था। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपको वृत्त से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता होगा, देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाला हूं मैं आपको, कम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वही आपके लिए सफिशियंट होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहां से पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से बनाइए, और मैंने कल वीडियो में आपसे राय ली थी कि आपको वीडियो किस बेस उस पर टॉपिक को बनाना चाहिए, बहुत बच्चों ने कहा था कि सर इसी को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, तो मैं आपका इसी को अब कंटिन्यू करता हूं, और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जो आपका मॉर्निंग में 7 AM पे आया करेगा, लेकिन अभी समय उसका निश्चित क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। कैसा लगा आज का आपको क्लास बताइए मुझे कमेंट करके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।